सतनाम, एको ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरपाओ निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद समरथ गुरु सिर हथ तरु गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरु निसबासुर एक समान ध्यान सुनाम सुने सुत पान डरो पान दास सुवास जगत गुरु की पारस पेट परस करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरो 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 प्रथम सास नामास सन अंध तुंद कछ खबर न पाई रक्त बिंद की देह रच पंच तत् की जड़ित जड़ाई पौन पानी बैसंतरु चौथी धरती संग मिलाई पंचम विच आकाश कर करता छठम अदिष्ट समाई पंच तत् पंची सुगुण छत्र मित्र मिल देह बनाई खाणी बाणी चलित कार आवागौण चरित दिखाई चौरासी लख जून उपाई। परम सम्मान योग छत्र चवर तखत के मालिक ज़ाहरा ज़हूर हादरा हदूर सर्प कला परपूर पाशा बाणी के बोहित शब्दावतार मेहरम तंदे साई लोक परलोक दे रक्षक वालिये को लालम तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पाशा जी दी पावन गोद विच सुभाय मन होए बैठे सतसंगी जनों पते राही गुरदेव जी दियां शीशां लो दास नू गुरमत विचार कहण दा बल बख्शो ते रल मिल के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा ही मनमोहक उत्तम श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी नू समर्पित ये मजमून ये प्रकरण जो कल तो आरंभ होया भाई सब भाई गुरदास जी दियां वारां दा पूरी तरह जतन करते हैं कि एक एक अखर जा एक एक शब्द संगत तक पहुँचा दें। हाँ कितने कुछ गलतियां होंदियां होणगियां ये कुदरत है ना। भाई साहब ने अपनी पहली वार की दूजी पौड़ी विच जिथे पहली पौड़ी विच नमस्कार गुरदेव को गुरदेव जी नू नमस्कार कीती है इत्थों एक गल स्पष्ट हुंदी है कि हर किसी नू सब तो पहला अपने इष्ट नू नमस्कार करके अगली गल आरंभ करनी चाहीदी है। इह तां समझ लो ये अपने आप विच एक मंगलाचरण भी है ते दूजी पौड़ी विच हजूर ये कह रहे ने कि प्रथम है प्रथम दा अर्थ ही हुंदा पहला सब तो पहला प्रथम सास ना मास सन ना मास सी ना सा सी इस संसार ते अलबत अलबत तो दो कारण सी कुछ भी नहीं सी कोई सृष्टि नहीं सी
कोई प्रकृति नहीं सी, कोई संसार नहीं सी। सब तो पहला परमेश्वर ने इस संसार नू बनाउन वास्ते सास ते मास तैयार किते। प्रथम सास नाम आस, सास दा अर्थ हुंदा साह, श्वास ते मास दा अर्थ हुंदा है जो तन जिहदे नाल बणिआ है। नाम आसन कुछ भी नहीं सी। प्रथम सास नाम आसन अंध धुंध कछ खबर ना पाई, किसे नू किसे गल दा कुछ पता नहीं सी, सब अंधा धुंध सी। अंध धुंध अर्थ हुंदा है जिथे हनेरा ही हनेरा होवे, कुछ भी ना होवे। मैं ते कर्ज करदे जिथे धुंध शब्द आ जाए ना, वो हनेरे दी आते आ। एक हुंदा हनेरा, पर नेरे विच धुंध पैंदी होवे। आप कितने आउट ऑफ स्टेशन जाओ, धुंध पैंदी होवे तो उत्तों हनेरा होवे, रात पै जाए ते धुंध कटनी औखी हो जांदी, वो अत दा हनेरा हुंदा है। आम लाइट्स धुंध नहीं कटदियां। एहो जी धुंध सी, एहो जिहा हनेर सी, जो अत दा हनेर सी, गुब्बार कह लो। सब तो पहला ना सासन ना शरीर सन, सास ना मास सन, अंध धुंध कछ खबर ना पाई, कोई खबर नहीं सी, कोई कुछ भी नहीं सी। इदा आख लो कि इस संसार ते सब अंधा धुंध सी, कुछ भी नहीं सी। फिर की होया, रकत बिंद की देह रच। फिर परमेश्वर ने एक तरीका बनाया कि खून, रकत दा अर्थ हुंदा खून, रकत बिंद कर निम्या चित्र चलित्र बचित्र बनाया। रकत बिंद नाल जल की पीत पवन का थंबा, रकत बुंद का गारा। ये बुंद शब्द स्पष्ट आ, रकत तो अर्थ आ जो बच्चा पैदा हुंदा अपनी मां की कुख विच, मां की कुख दे खून तो बनदा है। ते बुंद दा सीधे सीधे स्पष्ट बिंद जां बुंद शब्द दे अर्थ ने माता पिता तो ही बच्चे दी पैदाइश हुंदी है। रकत बिंद की देह रच, इस तरह परमेश्वर ने देही दी रचना कीती, देही नू बनाया। रचना दा अर्थ ही कुछ बना देना। कोई शायर कविता लिखता है तो उन्हें रचना कहा जाता है, कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है उन्हें रचना कहा जाता है। ये संसार परमेश्वर की रचना। रकत बिंद की देह रच, पंच तत् की जड़त जड़ा है। पंजा तत्तां नाल इन जड़िया गया, खूबसूरत बनाया गया। पंज तत् मिले, पौन पानी बैसंत जो, पौन हवा, पानी जल, बैसंतर अग। ये सारे तत् वखरे ने, पानी ते अग का कोई सुमेल नहीं है। पानी अग नूं बुझा देंदा, पर शरीर विच इन्हां पंजां नूं इकट्ठियां करके रख दिता गया। ये परमेश्वर का तरीका है इनू बनाउन दा, जीवन के इहदे विच उहने पंज तत् पाए। पानी पाया, हवा पाई, अग पाई, धरती मिट्टी पाई, आकाश। आकाश दा अर्थ हुंदा स्पेस, खुली जगह। आप ख्याल करना, आकाश कोई छत नहीं है। कई बार इस्लाम दे लोग ये गल कह देंदे ने कि छतड़ी वाला ये करेगा, सही मायने वजह छत है ही नहीं। आकाश दे अर्थ स्पेस ने, खुली जगह है, कोई छत किते नहीं है। ये धरती भी उदा गोला है, एक गोला जो तुरदा फिरदा है विच। ते गुरु ग्रंथ साहब पातशाह ने सब गल्लां स्पष्ट कीतियां ने, भाई गुरदास जी ने सब गल्लां स्पष्ट कीतियां ने। आकाश अपने आप विच कोई छत नहीं है, स्पेस आ, खुली जगह है। जिन्ना चिर तक स्पेस नहीं होएगा उन्ना चिर तक सह नहीं ले जा सकते। स्पेस होएगा तो सह लिया जाएगा, खुली जगह होएगी तो सह लिया जाएगा। भाई साहब, भाई गुरदास जी, इस संसार नू जदों परमेश्वर ने बनाया, इस जीव नू उन्हें बनाया, तो उन्हें किवें बनाया? कहिंदे पौण पाया,
हवा पाए, हवा सा आए, हवा नहीं है तो सा नहीं आएगा। पानी, शरीर में पानी पाया, पानी के बिना यह चल नहीं सकता। मैं पिछले दिन भी यह बेनती की सी कि संसार ते जिन्ने लोग हड़ताल रखते ने, भुख हड़ताल रखते ने, प्यास हड़ताल नहीं रखते। प्यास हड़ताल रखे मर जाएंगे, सरकार सोच भी नहीं पाएगी उसकी हड़ताल पूरी हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। पानी एक तत् आ, इस दे बिना जिंदगी नहीं है। पौन पानी बैसंतर, बैसंतर कहते ने अग न, पानी हवा ते अग इकट्ठे किते, चौथी धरती संग मिलाई ते चौथी जमीन नाल मिल गई। जमीन तो बिना जिंदगी कित्थे? ये सारा कुछ आखिर ते मिट्टी तो बने रहे ना। माटी को पुत्र कैसे नचद है, पुतला मिट्टी का बस नचदा बड़ा है। हजूर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह गल कही है कि मिट्टी का पुतला है, नचदा है। बजुर्ग सज्जन मौजूद ने, अज के समय में बहुत कुछ नवा आ गया। पर एक समा सी मेलिया में लोग जाते सी एंटरटेनमेंट वास्ते, मनोरंजन वास्ते पुतलियां की लड़ाई कराई जाती सी। वो कागज़ के पुतले होंदे सी, उन्हां पुतलियां की डोर पुतलियां के मालक के हाथ में होंदी सी। वो डोर खिंचदा सी ते पुतले आपस में गल्लां करदे सी जां खेडदे सी, उहदी आवाज़ फिट कर दित्ती जाती सी। ये उदों चलदा सी जिस समय गुरु बाणी के शब्द आखे गए ने। उस समय मनुख नूं मिट्टी का पुतला हजूर ने आखे है, कहिंदे है मूर्ति है मिट्टी की है, पर मिट्टी की पई हुई मूर्ति ना बोल सकती है, ना वेख सकती है, ना सुन सकती है। इहदे विच खूबियां ने। माटी को पुतला कैसे नचत है, देखा है। इहदी खूबी यह वेख सकता है, तो वेख ही नहीं सकता, देखा सुने बोला। यह देखा देखा शब्द नहीं है, ये विश्रामा दे ध्यान देना। देखा है, देखा सुने बोले, ये वेखदा है। वेखदा ही नहीं है, सुनदा भी है, बोलदा भी है, दौड़ जो फिरता है ते भजा फिरता है। ओ जो पुतला पुतलियां वाला नचाउंदा है मेले दे विच, ओदियां डोरां नजर आउंदियां ने। पर यह पुतला जो मालक वालों नचाया जा रहा है, इहदियां डोरां नहीं दिसदियां पर नचाया उहदे वालों जा रहा है, नचाओ रहा है। चौथी धरती कहिंदे हवा, पानी, अग ते मिट्टी, ये चार तत् इकट्ठे हुए संग मिलाई। पंचम विच आकाश कर, पंजवां तत्, पांच तत् को तन रचियो जनो चतुर सुजन। ऐ सियाणिया एक गल समझ लै कि यह तन पंजां तत्तां दा रचिया है, पंजां नाल ही बनिया है। तो जिथों बनिया है जहत उपजो नानका लीन ताहे मैं, मान जिदे तो पैदा होया उहदे विच ही मुक जाणा है। पंज तत् पंजां तत्तां विच मुक जांदे ने, यह खत्म हो जांदे ने। हुण छेवां की, पंजां तत्तां दी गल ते असीं बहुत पढ़ी, पर इक छेवां है उहदा जिक्र भाई साहब ने इस अपनी पौड़ी विच कीता। पंचम विच आकाश कर, पंजवां आकाश पा दिता है, स्पेस पा दिता है, इहदे विच पैदा कीता है। करता छटम अदिष्ट समाई, ते कहिंदे छेवां क्रिएटर, करता करन वाला, ते ओ इहदे विच विलीन ते दिसदा नहीं। अदिष्ट दा अर्थ हुंदा अदृष्ट, ना नजर आउण वाला, जो दृष्टि नूं ना दिसे, है पर दिसदा नहीं, अखां नूं नहीं नजर आउंदा। हजूर कहिंदे ने छेवां ओ परमेशर इस जीव विच मौजूद आ,
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਠਮ ਅਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਈ, ਛਠਮ ਛੇਵਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਤਮ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਖਤਮ। ਜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੰਚੀਸ ਗੁਣ ਛੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਦੇਹ ਬਣਾਏ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਪਾਏ ਨੇ, ਛੱਤਰੂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੱਤਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਛੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਦੇਹ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਹੀ ਛੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਲਿਤ ਕਰ ਆਵਾਗੌਣ ਚਰਿਤ ਦਿਖਾਏ। ਖਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਬੋਲ, ਔਰ ਬੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਡਜ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਰਜ ਜਿਓਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਚੌ ਪਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ। ਸੇਤਜ ਮੁੜਕਾ, ਸੇਤ ਮੁੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਧੋਤਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜ ਆ, ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸੇਤਜ। ਉਤਪੁਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਪੁਜ। ਖਾਣੀ ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਦੂਜਾ ਬਾਂਦਰ,
सब तो ज्यादा विरलाप मौत वेले वो करते ने। कदे कावां दे झुंड विचों एक कां मरिया वेखियो जे कां कां हो जाएगी सारे आसमान विच। वो एक दूजे नूं आवाज देंदे ने आओ रल के विरलाप करिए, एक चला गया है। यही कम बंदर करते ने। यह गढ़ मुक्तेश्वर वाले पासे जाओ आम ही जाम ला देंदे ने जे कोई बंदर मर जाए तो आवाज देंदे ने। मैं हरदोई दे इलाके विच वेखिया उन्हां दा एक वड्डा बंदर हुंदा, वह स्पेशल हुंदा, वह जदों आवाज देंदा सारिआं नूं इकट्ठे होना पैंदा। खाणी बाणी परमेश्वर ने बाणियां बख्शियां ने, बोली बख्शी है। यह गल अलग है कि बोली का प्रभाव किन्ना है, केड़ी बोली किन्नी प्रभाव बोला। जिस बाणी का जिक्र असीं करते हैं वह बाणी गुरु गुरु है बाणी विच। मैं एक विश्राम लाया विच ते जाके बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत साज सब इदां पढ़नगे। पर ख्याल करो जे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच, बाणी अमृत साज, जो बाणी सानू बख्शिश कीती है साढ़े गुरदेव ने, साडा गुरु उहदे विच मौजूद आ, तां ही उह अमृत दा साज, अमृत दा निचोड़ आ। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत साजे पढ़ते ने सज्जन। पर सही मायने विच इहदे अर्थ करने होण ते विशेषम विच ते देना पएगा। बाणी गुरु गुरु बाणी हुंदी है। जो कुछ भी असीं सीखते हैं बोली विचों सीखते हैं बहुता करके, ठीक है इशारे नाल इंडीकेट कीते हैं भी कोई मनुख सीख लैंदा है, पर बहुता करके असीं बोलां विचों सीखते हैं। इसे करके सीखण दा नां ही है गुरु ते सिख दा सुमेल। बाणी गुरु है ते बाणी गुरु है, गुरु बाणी विच मौजूद आ, उहदा जीवन उदां दा है जिस तरह की बाणी है, जिस तरह की बोली है। विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे, प्रत्यक्ष कर दिंदा है गुरु परमेश्वर। जे कितें मन लवे, जे कितें प्रवान कर ले, जे कितें उहदे तक पुज जाए। खाणी बाणी चलित कर, ये चलित आ, चलित चलना तुरते रहना। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆ ਪਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੈਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। कई लोग कहते हैं मैं बहुत कुछ कर सकता है, जो उन्होंने पूछा जाए कि बुजुर्ग ही रोक सकता किवें रोकेगा। छोटा जिहा बच्चा जन्म लैंदा है वह कुछ होर तरह का हुंदा, 10 साल बाद कुछ होर तरह का हुंदा, 30 साल बाद कुछ होर तरह का हुंदा, 50 साल बाद कुछ होर तरह का हुंदा, 80 साल बाद कुछ होर तरह का हुंदा। पूरा ही चेंज हुंदा रहिंदा, हर वेले बदलता रहिंदा। भाई साहब कहते हैं खाणी बाणी चलित कर, उन्हें खाणिया ते बाणिया बनाईया ते सारे कुछ चला जाओ, चली जांदा है, खलोंदा कुछ नहीं है। जे कोई ये आखे कि अज मैं अपनी घड़ी की सूई बन देनी है, मैं चलन नहीं देना, तो घड़ी की सूई बन सकता है, समय की नहीं बन सकता। समा चलेगा, समा जाएगा, समा बदलेगा, सब कुछ चेंज हुंदा है। खाणी बाणी चलित कर, आवा गौण चरित दिखाई, ते संसार ते आवागमन आना जाना परमेश्वर ने बनाया है, ते उहदा कौतक आ। चरित चलित्र कौतक, परमेश्वर के कौतक ने उन्हें आन जान संसार ते बनाया होया, संसार ते लाया होया। हर कोई आउंदा है ते हर कोई जांदा है, कोई नहीं टिकदा इत्थे। जिन्हें लोग आए ने कले आवै नानका सदे उठी जाए,
लाई हयात आए कजा ले चली चले, जिंदगी लेके आई सी मौत लेके चली गई। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले, ना कोई खुशी नाल आउंदा ना कोई खुशी नाल जांदा। उन्हें अपना कौतक बनाया है, चरित दिखाई 84 लाख जोन उपाए। इस 84 लाख शब्द बहुत वहर गुरु ग्रंथ साहब ने भी वरते हैं तो भाई साहब जी ने भी वरते हैं। यह बंदिश नहीं है। मैं इतने बेनती करते हैं, यह बंदिश नहीं है कि 84 लाख ही है, ये तो एक घट नहीं हो सकती, एक ज्यादा नहीं हो सकती। एक गल करन दा तरीका है, संगत तक गल पहुंचाउण दा तरीका है। मैनू एक सज्जन ने यह गल कही कि गुरु नानक साहब पातशाह कहिंदे ने लखां ही पताल ने लखां ही आकाश ने। मैं कह नहीं कहिंदे, नहीं कहिंदे। हुण तुसीं हैरान हो गए किस तरह की गल करदा है जी प्रचारक। पातालां पाताल लख आगासां आगास कई बार तो सुने, पढ़ते भी हैं, हर रोज नितनेम की बाणी है, सवेर उठ के पढ़ना होंगे। पर मैं बेनती करता गुरु नानक साहब नहीं कहते कि लखां पाताल ने लखां आकाश ने। आप ध्यान दियो, मैं अर्थ करन लगा। पातालां पाताल लख आगासां आगास, औड़क औड़क भाल थके वेद। वेद मैं नहीं, गुरु नानक साहब कहते मैं नहीं कहता लखा ही पताल ने लखा ही आकाश ने, वेद कहते ने। मैं वेदां की स्टडी की, मैं वेद पढ़े, मैं वेदां नूं समझिया, ते वेद यह गल कहते ने लखा ही पताल ने लखा ही आकाश ने। पाताल पाताल लख आगासा आगास, औड़क औड़क भाल थके। औड़क औड़क का अर्थ ना मुड़ मुड़ के, भाल का अर्थ ना लभ के, थक गए वेद। कहन एक बात, वेद गल कहने ने, वात शब्द बात तो बने। पाताल पाताल लख आगासा आगास, औड़क औड़क भाल थके वेद। कहन एक बात, सह सठा जो कहन कतेबा। कतेब किताब का बहुवचन, किताब एक पुस्तक नू कहिंदे ने, कतेब बहुत पुस्तकों नू कहिंदे ने। सहस अठारह का अर्थ होंगे 18,000। 18,000 पताल आकाश ने, यह गल कतेब कहते ने। यह 4 पुस्तक ने, तौरात तौरेत अंजील जंबूर ते कुरान। 3 पुस्तक के इकट्ठ नू इत्थे कतेब कहा गया। बहुत सारिया किताबों का इकट्ठ। हजूर कहते ने 18,000 पताल आकाश ने, यह गल कतेब कहते ने। लखा पताल ने लखा आकाश ने, यह गल वेद कहते ने। सहस अठारह कहन कतेबा, असलू एक धात, पर सारे यह गल कहते ने चलाउण वाला एक परमेश्वर। पर हजूर कहते हुण मैं अपने व्यूज देना, मैं की कहना। दुख साडा की आ कि असी एक महावाक पढ़ते हैं तो वो अर्थ पढ़ के अगला पढ़ते ही नहीं सोचते इतने गल मुक गई, साडा काम हो गया। यह समुचा शब्द पढ़ के पता लगेगा गुरु नानक साहब की कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं पाताल पाताल लख आगासा आगास, औड़क औड़क भाल थके वेद। कहन एक बात, सह सटा जा कहन कदे बास, लो एक धात। लेखा होए ता लिखी है, लेखा होए विनाश। यह गुरु नानक साहब का ख्याल आ। हजूर कहते जो वेद कहते हैं मैं उन्होंने भी नहीं मानता, जो कतेब कहते मैं उन्होंने भी नहीं मानता। मैं तो यह गल कहना कि जे लिखिया जा सके तो लिखिए, लेख है जेड़े लेखे ने। लेखे का अर्थ हुंदा गणित, मैथमैटिक्स, हिसाब किताब। हिसाब किताब विनाश हो जाएंगे, मुक जाएंगे, लिखिया ही नहीं जा सकता। किन्ने क पताल ने किन्ने आकाश ने बनाने वाला परमेश्वर का, मुक जाएगा सारा हिसाब, खत्म हो जाएगा। कोई लख नहीं है, कोई हजार नहीं है, कोई गिनती नहीं है, अणगिणता। तू बेअंत को विरला जाने। सारा शब्द पढ़ के वेखो, लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, दैट्स इट। परमेश्वर नूं वड्डा आखिए, वो ही जानता सारा कुछ।
असी नहीं जानते। वेदा ने अपने ढंग नाल लिख दिता है, किताबां ने अपने ढंग नाल लिख दिता है। 84 लाख जोन उपाय, एक तरतीब कटी गई है कि 84 लाख है। कुछ कहें 42 लाख पानी वेचने, 42 लाख बार दे, कुछ किसे तरह लाते हैं, कोई किस तरह लाते हैं, पर एक तरतीब आ, एक ढंग आ कि इन्ने कु जी है। पर मायने यह नहीं होंगे कि इतने बंदिश लग गई है, इस तो वध भी हो सकते ने। अनेक धरतियां ने, अनेक जीव ने, अनेक स्थान ने, जिथे जिथे जीव पैदा हो रहा है। अजे तक असी ये लभ नहीं सके कि जिंदगी होर कित्थे है, पर गुरु साहब कहिंदे ने सच्ची जिंदगी कितने होर भी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की मुबारक बाणी नूं विज्ञानिक नमस्कार करते हैं। साइंटिस्ट मानते ने कि गुरु ग्रंथ साहब ने जो आख्या है ठीक आख्या है, ये गल अलग है कि असी उत्थे तक पहुँच नहीं सके। धरतियां होर हैं, पातालों में बहुत धरतियां होणगियां, आकाश में बहुत धरतियां होणगियां। आकाश ते पाताल दा मायना ही स्पेस आ, खुली जगह है। उत्थे धरतियां ने, उत्थे जमीन आ, पर खुली जगह है, किते भी कुछ रुकता नहीं। धरती होर परे होर 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 धरतियां ने, उस तो भी परे होर ने। यह गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने स्पष्ट शब्द कहे ने। ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि परमेश्वर ने सब तो पहला जदों सृष्टि बनाई है, जीव बनाया, पंजां तत्तां तो यह जीव पैदा किया है, तो पंजां तत्तां तो इस जीव नूं पैदा करके उस परमेश्वर ने इस जीव विच बुद्धि अकल सूझबूझ पाई, ते 84 लाख जूना घट तो घट उहदे पैदा कीतियां ने। एक तरीका है गल पहुंचाउण दा कि संगत इस गल नूं समझ सके, लोग इस गल नूं समझ सकन कि परमेश्वर वड्डे तो वड्डा है, ते उहने इस संसार नूं इक्को वार बनाया। जो कुछ पाया सो एका वार, जो कुछ भी उहने इत्थे पाया है पा दिता इस धरती विच, इस जमीन विच, इको वार पाता। ब्रह्मांड विच जो कुछ पिया सानू नजर आ रहा है, ब्रह्मांड जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, पिंड दा अर्थ हुंदा शरीर, जो समुचे ब्रह्मांड विच आ वो मेरे शरीर विच आ। हुण तकलीफ इत्थे है कि मनुख ब्रह्मांड नूं लभण ते तुरदा है, पर जो ब्रह्मांड इस तन दे विच मौजूद आ उहदे वल ध्यान नहीं दिंदा। परमेश्वर अपने आप विच साझा कुछ ते तन विच मौजूद आ। जे साइंटिस्ट सैटेलाइट ला के साडी आवाज फड़ दे, किसे तरीके दे नाल एक तो दूजे तक 7 समुंदर पार भी आवाज पहुंचदी है, ते इहदा अर्थ इह है कि ब्रह्मांड विच आवाज गई है तां फड़ी गई है। साड़ी तस्वीर भी ब्रह्मांड विच जांदी है ते फड़ी जांदी है। परमेश्वर ने एक तरीका बनाया इस संसार दा, यह संसार एक दूजे नाल पूरी तरह जुड़िया होया है। हजूर कहिंदे जदों मनुख अंतरमुखी हुंदा है उदों इहदी समझ विच इह गल आउंदी है, जदों बाहर मुखी हुंदा है उदों इहनूं संसार नजर आउंदा है, जदों अंतरमुखी हुंदा फिर सिर्फ ते सिर्फ निरंकार नजर आउंदा है, उदों अंदरों कुछ दिसदा है। 84 लाख जून उपाय, 84 लाख जून, जून का अर्थ ही हुंदा है वह जिंदगियां जो पैदा होंदियां ने, जिथे पैदाइश होंदी है जूनी। और यह मनुखी है जो 84 लाख जून विच इक्को जन्म विच कई बार घूम जांदा है, अलग अलग हालातों में होंदा है। प्रथमे सास नवासन, पहला कुछ भी नहीं सी। हुण इहदा कोई समा ना तो कोई वैज्ञानिक दस रहा ना दस सकता कि कदों यह संसार बने है, पर एक गल स्पष्ट है कि जदों यह संसार बने है
उस तो पहला इतने कुछ भी नहीं सी, सिर्फ परमेश्वर से। जे इस गल नूं विशेषता समझना होवे ते जिहड़ी बाणी साडी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी मुबारक पहली बाणी है जिहनूं असीं मूल मंत्र जां मंगलाचरण कहिंदे आ, मैं इत्थे अर्ज़ करदे आ अज इन्ना ही कर पावांगा, कल तो थोड़ी स्पीड फड़ांगे। एक सज्जन पुछदा मूल मंत्र कित्थों तक, मैं उन्होंने आख्या किस मंत्र की गल करते, वह एको अंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब हंगुर प्रसाद। भला कित सिरलेख लिखिया मूल मंत्र, आप सत्कार योग सज्जन हो, मूल मंत्र कित लिखिया ही नहीं और झगड़ा मूल मंत्र का। मूल मंत्र कितों तक, नानक हो सी भी सच तक जां गुर प्रसाद तक आ। सही मायदिया विच किते कोई सिरलेख मूल मंत्र लिखत विच है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच ये शब्द अलग अलग तरीके नाल आउंदे ने। ये जो एको अंकार सत गुर प्रसाद आ, ये भी मूल मंत्र जिन्हों असीं कहिंदे आ, उस शब्द का सब तो सब छोटे तो छोटा मंगलाचरण। जदों कोई बाणी गुरदेव आरंभ करते हैं तो मंगल करते हैं, उस मंगल दे शब्द ने यह मंगलाचरण। मूल मंत्र एक सज्जन डॉक्टर सारंग होया, उन्हें बहुत वड्डी एक पुस्तक लिख दी है, उहदा नाम उन्हें रखा है मूल मंत्र तत् निर्णा। भला कोई निर्णा कर सकता तत् दा? गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की मुबारक बाणी नूं कोई आखे कि मैं इहदा तत् निर्णा करदे आ, इह हो ही नहीं सकदा। समुचियां जिंदगियां लंघ जांदियां ने, कहने वाला कह गया दो हिचकियों में राज़े दिल, कहने वाला कह गया दो हिचकियों में राज़े दिल, लोग उस पर मुद्दतों तक गुफ्तगू करते रहे। इस बाणी ते मुद्दतां तक गुफ्तगू होएगी, रहिंदी दुनिया तक गुफ्तगू होएगी, तत् निर्णा ते हो ही नहीं सकता। मूल मंत्र दा कहदा तत् निर्णा, और मूल मंत्र शब्द असीं दित्ता जां साडे विद्वानां ने दित्ता है, गुरु साहब ने मूल मंत्र शब्द कितें लिखिया ही नहीं, कोई सिरलेख नहीं है। समुचा गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ के वेखो, जप बाणी है। खैर, इस करके मूल मंत्र कहा गया विद्वानों वालों, यह कोई विवाद की कहानी नहीं सी, बना दिती गई। मूल मंत्र इस करके कह दिता गया कि परमेश्वर की समुची संरचना ते संसार की समुची रचना इन्हां मुबारक बोलों में आ। ये जो भाई साहब जी शब्द कह रहे ने कि संसार की रचना किवें हुई, यही शब्द गुरु नानक साहब पातशाह उन्हां मुबारक बोलों में कहिंदे ने। कुछ नहीं सी, एक सी, वो सी ओंकार। ओंग कहिंदे ने ब्रह्म नूं, कार कहिंदे ने एक रस व्यापक नूं। इको परमेश्वर सी, इको परमेश्वर सी ते है ते रहेगा। एक ओंकार ओ या जो सत नाम आ, ओ या जिदा नाम रहण वाला है, जिदी सत्या है, जिदी शक्ति है, जिदी पावर आ। सत दा अर्थ ही है कि असली शक्ति, सत्या, मजबूती, यही सच्चा। ओ एक नाम है जिहड़ा रहणे, संसार ते जिन्ने नाम रखे जांदे ने सिर्फ संबोधन लई रखे जांदे ने। लोग अपना नां लभदे फिरदे ने, मेरा नां किसे तरह बन जाए। गुरु घरां विच भेटावां दित्तियां जांदियां ने, उत्ते नां लिखाए जांदे ने मेरा नां बन जाए, पर सही मायने विच नां किसे दा है ही नहीं, इह मुक जांदे। मुक जांदे, रहिंदा नहीं। असीं किन्ने लोग आ जिन्हां नूं अपने पड़दादे दे नां दा पता होएगा, भुल गए, मुक गया।
ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਥਮੈ ਆ, ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਸ ਨਮਾਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼, ਮਰਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਡਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਹਿਟਲਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵੈਰੀ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਰਸਾਇਆ। ਅਕਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੂਰਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਣ ਨਨ, ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਹੇ ਕੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਰਤੀਆਂ ਫਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਬ ਹੰਗਾ, ਉਹ ਸਵੰਭਵ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਸਮਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਬ ਹੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਹਿਬ ਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸਵੰਭਵ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਵੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਗਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਪਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ, ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।